नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने पिकअप वैन पर पुआल के नीचे छिपाकर लाई जा रही 41 पेटी शराब को जब्त किया है। इस दौरान मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जिले में पुलिस की ओर से लगातार शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में भागलपुर हंसडीहा मुख्य मार्ग पर मौसी थाना क्षेत्र के सुखनिया पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान उत्पाद विभाग ने 41 कार्टून शराब बरामद किया है। इस दौरान मौके से दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक शराब तस्कर पिकअप वैन में पुआल के नीचे शराब की कार्टून को छिपाकर हंसडीहा से भागलपुर के नौगछिया जा रहा था। बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब तस्कर बांका जिले के बौसी के रास्ते भारी मात्रा में शराब तस्करी कर हंसडीहा से नौगछिया ले जा रहा था। सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा ने प्रभात कुमार झा के नेतृत्व में टीम गठित कर सुखनिया पुल के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान एक ही पिकअप वैन से पुआल के नीचे छिपाकर लाई जा रही 41 कार्टून शराब बरामद कर ली गई। साथ ही दो तस्करों को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस बात की जानकारी देते हुए उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि दो तस्करों को 41 कार्टून विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। जब्त शराब की कीमत 2,25,000 रुपये है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान भागलपुर जिले के नाथनगर निवासी ब्रजेश कुमार और राजेश कुमार है। दोनों तस्करों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सदर प्रखंड के ओढ़नी डैम अब पर्यटन के मानचित्र पर उभरेगा। इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसको लेकर डीएम सुहर्ष भगत ने इको टूरिज्म को डेवलप करने की योजना बनाई है, जिसमें पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। इस बाबत डीएम ने ओढ़नी डैम का निरीक्षण किया। डीएम सुहर्ष भगत के साथ जमुई के डीएफओ सहित बांका डीएफओ राजीव रंजन, डीडीसी रवि प्रकाश, एसडीओ मनोज कुमार चौधरी, वरीय कोषागार पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी की टीम मौजूद थी। ओढ़नी डैम पहुंचकर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए ऑन स्पॉट कई विभागीय निर्देश जारी किया, जहां टूरिस्टों के लिए किचन वॉच टॉवर, रोपे स्टीमर, बंबू हट, मिट्टी का सेट, शौचालय, डार्किंग प्लेटफॉर्म, मेगा इको पार्क, नेचुरल ट्री आदि कार्य करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा सुरक्षा के बाबत पुलिस पिकेट की स्थापना की जाएगी। मौके पर डीएम ने डीएफओ से मनमोहक कचनार, गुलमोहर चंपा, कनक चंपा आदि हर्बल पौधा रोपण किए जाने की बात कही। साथ ही डैम तक आने जाने के लिए सड़क मार्ग को भी दुरुस्त करने की बात कही। डैम पर 24 घंटे बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ हाई मार्क्स लाइट ड्रॉप गेट, बेक कम गेट, कंट्रोल टॉवर, पैरापेट की रंगाई, पुताई, बोटिंग पाइट, शिव पार्वती मंदिर तक जाने के लिए वर्किंग ट्रेल आदि टूरिस्ट प्लेस के रूप में जारी दिशा निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर सभी कार्य को शुरू करने की बात कही। मौके पर विद्युत विभाग के प्रोजेक्ट एसडीओ राकेश रंजन, बांका सिंचाई प्रमंडल के एसडीओ उमेश कुमार, जय धनंजय कुमार, आर के शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।